यूपी का बजट पेश किया जा चुका है और अगर बजट में सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात को लेकर थी तो वो थी उज्ज्वला योजना। सबकी नजर इसी बात पर लगी थी कि सरकार के पिटारे में इस बार योजना को लेकर क्या कुछ होगा। इसी सिलसिले में यूपी तक ने बात की यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को सिलेंडर 2 दिए जाएंगे। चुनाव से पहले ये वादा किया गया था कि होली और दिवाली में ये सिलेंडर दिए जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेश खन्ना जी हैं। सर, सिलेंडर जो 2 दिए जाएंगे होली दिवाली पर, पहले इसका चुनाव से पहले वादा किया गया था, गृहमंत्री जी ने भी कहा था, कौन होंगे उसके पात्र, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी या जो उज्ज्वला योजना में जिन लोगों को फ्री कनेक्शन मिले उन लोगों को 2 सिलेंडर मिलेंगे होली और दिवाली। होली और दिवाली में रिफिल होगा? रिफिल होगा। जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं है क्या वो इसके पात्र नहीं होंगे? जी, अभी तक नहीं। जो एक होली बीत गई है जिसमें जनादेश आपको मिल चुका था लेकिन गठन पूरी तरह से सरकार का नहीं हुआ था, उसका मिलेगा? इसमें पहले बजट का प्रोविजन करना पड़ता है किसी चीज के लिए, हर चीज के लिए। बिना पैसे के प्रोविजन के लिए कैसे कर सकते हैं आप? यानी इस बार से मिलना शुरू होगा ये? जी हाँ। तो ये सुरेश खन्ना हैं जो ये बता रहे हैं कि जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको होली और दिवाली पर 2 सिलेंडर मिलेंगे, यानी उनका सिलेंडर जिनके पास कनेक्शन है वो रिफिल किया जाएगा। और अभी जो होली बीती है उसका नहीं दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि उस समय सरकार का गठन होने की प्रोसेस में था और इसके लिए बजटीय प्रावधान करना होता है। अब बजट में प्रावधान करने के बाद आगे से होली और दिवाली में ये सिलेंडर दिया जाएगा, यानी सिलेंडर रिफिल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।